नल्ली डोसा। निम्मापुर नाम के गांव में सांबा नाम का व्यक्ति डोसा बेचकर अपना गुजारा करता था। वो डोसा बेचकर अपना परिवार चलाता था। सांबा के पास नाना नाम का एक बूढ़ा आदमी प्लेट धोने का काम करता था। सांबा नाना जी से और कोई काम नहीं कराता था, वो उनसे सिर्फ प्लेट धोने का काम और ग्राहकों को डोसा पहुँचाने का काम कराता था। एक दिन सांभा से एक ग्राहक, भाई सांभा तुम्हारे डोसा बहुत बढ़िया होते हैं यार। भाई मेरे पत्नी जो डोसा बनाती है उससे तुम्हारा डोसा कई गुना बेहतर है। अगर तुम्हारे ये डोसा का ठेला ना होता तो मुझे बहुत तकलीफ होती भैया। तब सांभा, अरे साहब आप मुझे चने के झाड़ पर ना चढ़ाओ, और कितने डोसे खाए हैं ये बताइए जरा, और खाते में कितना लिखूं ये बताइए, और हाँ ये भी बताते हुए जाइए कि आप ये पैसे कब तक देंगे। तब वो ग्राहक, अरे भाई कमाल है, यही तो तुम्हारी खासियत है, कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम सीधे डंके की चोट पे बात करते हो, बढ़िया बात करते हो और बढ़िया डोसा बनाते हो। यूं कुछ और कहने ही वाला था कि सांबा, नाना जी साहब का खाना हो गया है, इनका प्लेट ले लो और साफ करके ले आओ, ऐसा कहने लगा। तब उस ग्राहक को गुस्सा आया, वो वहाँ से चला गया। तब सांबा, एक तो डोसा खाता है और पैसे नहीं देता, इससे मुझे पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं मानो मैंने ही जबरदस्ती इसे उधार दिया हो, अपना धंधा भी दिन भर दिन घटता जा रहा है। तब नाना जी, बेटा तुम वही मसाला डोसा और वही ऑनियन डोसा बनाओगे तो कैसे चलेगा, बोलो। आजकल तो ये स्मार्ट की दुनिया है, लोग हर चीज में नयापन ढूंढते हैं, तुम कोई नए किस्म का डोसा बनाओगे तो अच्छा होगा। तब सांबा, ए बुढ़े, एक तो तुझे नौकरी पे रखा यही बहुत बड़ी बात है, और अब तुम मुझे सलाह देते हो, हाँ इस पीढ़ी के बारे में तुम क्या जानते हो, वहाँ जो प्लेट पड़े हैं पहले उन्हें साफ करो, बड़ा आया मुझे बोलने वाला। तब नाना जी ने चुपचाप प्लेट धोना शुरू किया। एक दिन डोसा बनाने का धंधा शुरू हुआ, ग्राहक आने लगे, तभी एक बहुत अर्जेंट काम आया और सांबा साथ वाली गली में चला गया। तब नाना जी अकेला था जो ठेला संभाल रहा था। तभी एक ग्राहक आया और, दाऊजी सांभा नहीं है क्या, मुझे अर्जेंट दो डोसा चाहिए। तब नाना ग्राहक से, बेटा वो साथ वाली गली में गया है, तुम जरा रुको मैं डोसा बनाकर देता हूँ, कहकर डोसा बनाने के लिए उसने हाथ में कड़छी ली। तभी सांभा वहाँ पहुँचा। नाना जी को डोसा बनाते हुए देखकर सांभा चिल्लाया, सांभा क्यों रे बुड्ढे, अब तू डोसा बनाएगा, एक तो तुमसे प्लेट ठीक से नहीं धोया जाता और तुम क्या डोसा बनाओगे, हट जाओ यहाँ से। तब नाना जी ने बहुत अपमानित महसूस किया, लेकिन लाचार होकर वहाँ से हट गया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर आसपास बहुत सारे डोसा के ठेले आ गए, इसलिए सांबा का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन सांबा नाना जी से, नाना जी लगता है मुझे ये ठेला यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि अपना धंधा यहाँ चल नहीं रहा है, अब आप भी कोई और काम ढूंढ लो। तब नाना जी वहाँ से अचानक चला गया। सांबा के समझ में नहीं आया कि नाना जी यूं अचानक क्यों चला गया। थोड़ी देर बाद एक पैकेट में कुछ गोश्त की हड्डी लेकर नाना वहां पहुंचा। ये देखकर सांबा हैरान रह गया। सांबा कुछ कहने ही वाला था कि नाना, सांबा बेटे तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, ऐसा कहा तो सांबा के समझ में कुछ नहीं आया। नाना जी ने उन हड्डियों का सूप बनाया और डोसा बनाकर नाना जी ने उस पर सूप को फैलाया, फिर उस सूप के ऊपर उसने एक ऑमलेट बनाया, फिर उसने वो डोसा निकाला और सांबा को दिया और, पहले ये खाओ बेटा और बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। तब कुछ कहे बगैर सांबा वो सूप वाले डोसे को खाने लगा। जैसे ही उसने एक गिराई अपने मुंह में डाला तो सांबा के समझ में आ गया कि उसका स्वाद कितना बढ़िया है। तब सांबा नाना जी से, वाह अरे कमाल हो गया, नाना जी ये तो स्वाद बहुत ही बढ़िया है, वाह कमाल का है, इतना बढ़िया डोसा तो मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, अरे ऐसा डोसा बनाए तो लोग अपने दुकान के सामने लाइन लगा देंगे बस। नाना जी प्लीज अब से डोसा सिर्फ आप बनाइए, मैं प्लेट धो लूंगा।
तब नाना जी, बेटा सांबा, एक वक्त था जब मैं शहर में डोसे का ठेला चलाता था। बहुत अच्छा चलता था मेरा धंधा, लेकिन मेरे बेटों ने मेरे पत्नी के मृत्यु के बाद सारे जायदाद अपने नाम कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे भीख मांगना पसंद नहीं था, तो इसलिए तुम्हारे पास आ गया काम करने, ये सोचकर कि खाने और रहने का तो इंतजाम हो ही जाएगा। तब सांबा के समझ में आया कि उसने अनजाने में नाना जी का बहुत अपमान किया। तब से नाना जी हड्डियों का सूप का डोसा बनाने लगे और लोगों को बेचने लगे। सांबा ग्राहकों का ऑर्डर लेने लगा। यूं दोनों ने मिलकर खूब पैसे कमाए।